सीमा हैदर का ये कैसा खेल, सचिन के बाद अब बाबा बागेश्वर से करना चाहती है मेल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, सीमा हैदर इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। लगातार सीमा हैदर को लेकर बातचीत की जा रही है। सचिन को लेकर सीमा हैदर का जो लव है, जो प्यार है, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं तो कई तरीके के शक सीमा हैदर पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो सीमा हैदर ने बयान दिया है, उस बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। सीमा हैदर का ये बयान इस वक्त कई लिहाज से देखा जा रहा है कि क्या सचिन से सीमा हैदर का मन उब चुका है, क्या सचिन को छोड़कर सीमा हैदर अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि सीमा हैदर ने अब बाबा बागेश्वर को लेकर जो बात कही है, धीरेंद्र शास्त्री को लेकर जो बात कही है, वो इस वक्त चर्चा का विषय है। दरअसल सीमा हैदर से एक इंटरव्यू के दौरान धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पूछा गया, तो सीमा हैदर ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा कि पुलिस की सख्ती की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, वो जाना चाहती है धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में, वो जाना चाहती थी। नोएडा में धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम हुआ था, उनका मन था कि वो धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाएं, लेकिन नहीं जा पाई। लेकिन उसके आगे जो सीमा हैदर ने कहा वो वायरल हो गया। सीमा हैदर ने कहा कि मुझे धीरेंद्र शास्त्री पसंद हैं, मुझे उनका चेहरा अच्छा लगता है, उनकी मुस्कुराहट मुझे अच्छी लगती है और जाहिर तौर पर मैं उनकी मुस्कुराहट को बहुत पसंद करती हूं। अब सीमा हैदर का यह बयान आया तो जाहिर तौर पर इसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए, बवाल मचना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, और यह कहा जाने लगा कि क्या वास्तव में सीमा हैदर का दिल अब सचिन से उब चुका है, क्या सीमा हैदर कुछ और बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की उन पर आरोप और शक जताया जा रहा है लगातार सीमा हैदर पर, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जब भारत आई तो उनकी किसने मदद की, किस तरीके के लोगों के संपर्क में वो आई, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और उससे बाद में जब वो भारत में एंट्री उनकी हुई तो ऐसा शक जताया जा रहा है कि सीमा हैदर की किसी ने मदद की होगी। इस तरीके की लगातार सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं और इसी शक को देखते हुए अब यूपी एटीएस ने भी एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी एटीएस भी सीमा हैदर पर अब एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और तीन बड़े सवालों के जवाब जानना चाहती है कि आखिर सीमा हैदर की मदद किसने की, पाकिस्तान से भारत आते वक्त उसकी किससे बात हुई, कितने तरीके के मोबाइल और सिम का इस्तेमाल किया गया, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इन तमाम बातों की छानबीन अब सीमा हैदर की शुरू हो गई है। लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर जो सीमा हैदर ने बोला वो वायरल हो गया और उस पर लगातार बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। सीमा हैदर का ये बयान आग की तरह फैल गया कि क्या सीमा हैदर का मन, सीमा हैदर का दिल सचिन से उब गया है, क्या सीमा हैदर अब सचिन से आगे बढ़कर, सचिन को मोहरा बनाकर भारत में आई थी और सचिन से आगे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़ना चाहती है, सीमा हैदर कुछ और बड़ा कदम उठाना चाहती है, इसके बाद ये सवाल शुरू हो गए हैं। आपका सीमा हैदर के इस बयान पर क्या कहना है, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे वो पसंद है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।